लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कहावत को हमने कई बार सुना और पढ़ा भी है, लेकिन क्या सच में इसे अमल में लाया है? सोच में पड़ गए ना? आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे आज के रियल हीरो से, जिन्होंने इस कहावत को अपनाया भी और इस पर जीत भी हासिल की। इनसे मिलिए। ये हैं सूरज करवाड़े, उम्र 23 वर्ष, बीएससी ग्रेजुएट। बचपन से ही फिजिकली हैंडीकैप जन्मे सूरज ने इसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना ही इसे कभी अपनी कमजोरी समझा, बल्कि वो तो इसे अपनी ताकत बनाकर बस अपने रोजमर्रा जीवन में लग गए। स्कूल के बाद कॉलेज में हालांकि उन्हें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं कि परेशानियां तो हर किसी को आती हैं, हाँ बस उसकी परिभाषा अलग होती है। इसमें कोई शक नहीं कि परेशानियों से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन सूरज ने निराश होने के बजाय अपनी पढ़ाई पूरी करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी आगे अगली परीक्षा थी एक अच्छा जॉब हासिल करने की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसमें असफल रहे। कई बार हमारी हार हम पर इतना गहरा असर डालती है कि हम उसे स्वीकार कर आगे मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। सूरज ने भी इसे एकदम अलग करने की सोची। उनका कहना है कि हमें अपने अंदर सहनशीलता तथा हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसे अधिक लोग नहीं जो पहले प्रयास में ही सफल हो जाएं। यदि एक बार हार कर हम प्रयास करना ही छोड़ दें तो हमारी पहले की हुई मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए सूरज ने भी पूरे हौसले के साथ कुछ और करने की सोची और पिताजी की मदद से निकल पड़े समोसे बेचने। उनके पिताजी पिछले 40 साल से एक कैफे में शेफ हैं। वो ही सूरज को घर पर समोसे तैयार कर देते हैं। तो चलिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो हमारे इस ब्यूटीफुल जाबाज रियल हीरोज के सेक्शन में आज हमारे साथ एक और रियल हीरो हैं। आप इनके बारे में जान चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। भी आपका नाम सूरज करवाड़े। सूरज जी का आप नाम जान चुके हैं और सूरज जी को आप सोशल मीडिया पर बहुत देख रहे होंगे। सूरज भैया, आपने अपनी इस सफ़र की शुरुआत कब से? मैं बचपन से ही फिजिकली हैंडीकैप हूँ, तो मुझे 10-12 तक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ वैसे। फिर उसके बाद में जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कहीं पे जॉब के लिए वगैरह गया तो मुझे प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, यानी जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने थोड़ा अपसेट हो गया और मैंने फिर अपना स्टार्टअप करने का सोचा। फिर कहीं ना कहीं हम जब फिजिकली अगर हम चैलेंज्ड होते हैं, बचपन से तकलीफ थी तो आपको उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बाद में ऐसी कोई तकलीफ होती तो हमें वो एहसास होता है। आपने स्कूल के टाइम पर किस तरह का सपोर्ट, क्योंकि स्कूल में बहुत परेशानी होती है जब हम ऐसा कुछ सफ़र करते हैं। जी मैम, वैसे तो मुझे ज़्यादातर नहीं हुई है, पर नॉर्मल टाइप जैसी होती है फिजिकल चैलेंज पर्संस को, वैसी तो प्रॉब्लम्स हुई थी थोड़ी बहुत। पढ़ाई तो बहुत भरपूर की है, अगर हम स्टडीज़ के बारे में पूछे आपने कहाँ कहाँ तक पढ़ा है? मेरा आफ्टर 12th मेरा बीएससी हो चुका है। अरे वाह, बीएससी किया है आपने, और उसके बाद किस चीज़ में इंटरेस्ट है वैसे आपको? मुझे कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है थोड़ा। बीएससी लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है? फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स। उसके आगे क्या सोचा? एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है आज की तारीख। जी जी जी, एजुकेशन तो मायने रखता है, पर कहीं अपन अगर एजुकेशन की अगर कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, अगर अपन कोई आगे चल के अगर अपने को जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब की, क्योंकि देखो आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद कहीं ना कहीं हमारा एक मकसद होता है हम जॉब करें। आपने जॉब के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई किया?
वैसे तो मैं ऐसे प्राइवेट जॉब्स के लिए गया था, कोई छोटी बड़ी शॉप, नेट कैफे वगैरह, यानी कि ये छोटा बड़ा जॉब मिल जाए कोई भी, वैसे ट्राई किया मैंने। तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है, आप इतना पढ़ने के बाद अब जब समोसे बेच रहे हो, लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है, ये जर्नी की शुरुआत, इस कहानी के बारे में बताएं। मेरे पापा वैसे तो 40 साल से कुक है कैफे जॉन में, तो कैसे उन मैंने उनको बोला कि थोड़ा मुझे सपोर्ट करे कि बना के दे, मैं कुछ घर में बैठने से अच्छा कुछ कर लेता, मेरा भी मन कहीं ना कहीं लगा रहेगा, इसलिए फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया फिर घर में समोसे बेचना। वो समोसे बेच बना के देते और मैं बेच के आ जाता फिर। तो आप कितने बजे निकलते हैं घर से? मैं 2:30-3 बजे से मेरा टाइमिंग है। और कितने राउंड्स लेते हैं आप? 2 से 3 राउंड ले लेता फिर भी। कितनी बिक्री हो जाती है पूरे दिन में? मेरे फिर भी 40-50 प्लेट निकल जाते हैं। 40-50 प्लेट निकल जाते हैं, क्योंकि नहीं, क्यों, मैंने काफ़ी सुना है और सोशल मीडिया पे काफ़ी ये स्टोरी राउंड कर रही है, एंड इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी। अभिनव हैं, शोएब हैं, ऐसे कई फूड ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई सीरियसली थैंक ऑल द फूड ब्लॉगर्स जो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को एक लाइट देते हैं, और बहुत ज़रूरी है एक स्टोरी को मोटिवेट करना, क्या लगता है? जी जी मैम जी, बराबर। आप उन लोगों से क्या करेंगे, कहेंगे सूरज भैया, बिकॉज आज की जेनरेशन छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती है, निराश हो जाती है और छोड़ देती है सारी चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने फ्लॉज को फ्रॉन्ट करने की ज़रूरत है। खामियां किस में नहीं होती, खामियां तो मुझ में भी बहुत सारी हैं, लेकिन शायद वो दिखाई नहीं पड़ती, आपकी खामियां दिख पड़ती हैं, मगर आपने उसको एक ताकत बनाई है। उन लोगों के लिए क्या? कभी भी कोई चीज़ से हार नहीं मानना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए उसका डट के सामना करना चाहिए। आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो कि पढ़ाई छोड़ चुके हो? अभी मेरा कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन चालू है वैसे तो। क्या बात है, मतलब देखो मैं आपको यही कहूँगी कि वी हैव सो मैनी फ्लॉज, आप में बहुत सारे होंगे बट आप नज़रअंदाज करते हैं, मुझ में तो कई ऐसे फ्लॉज हैं जो शायद मैं नज़रअंदाज तो नहीं करती, मैं उस पर काम करने की कोशिश करती हूँ। सूरज भैया से इंस्पायर होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हम ऐसे कई लोग हैं जो हम अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद हम बहुत से सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा बोलना चाहिए कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा? नो मैम। आपका क्या एक, आप किसको आइडल मानते हैं, किन चीज़ों को, किन बातों को? वैसे तो मेरे मानने के लिए बहुत सारे बातें हैं, पर मैं ज़्यादा भी बोल नहीं सकता। हम यही कहेंगे कि सूरज भैया ने जैसे अपनी कहानी को रचा है, आप में भी वही क्षमता है अपनी कहानी को रचने की। तो बस यही कहेंगे आज के रियल हीरो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ जिसको हम हैट्स ऑफ कहेंगे। आज की स्टोरी में हम हैट्स ऑफ करते हैं सूरज भैया को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टू वॉच VKB न्यूज। सच में इनसे मिलकर समझ में आ गया कि हमें कर्म कर तथा फल की चिंता न कर विश्वास रखते हुए ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। इसीलिए यदि किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार प्रयास भी करने पड़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है, हमें पूरे मन से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति और जज्बे को VKB न्यूज का सलाम।